नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे भ्रूणपोष और उसके प्रकार। इसके पहले हमने दोहरा निषेचन पढ़ लिया है। दोहरे निषेचन में हमने पढ़ा था कि परागकण के दो नर केंद्रक होते हैं और ये दोनों नर केंद्रक पराग नलिका के द्वारा भ्रूण कोष में पहुंच जाते हैं। भ्रूण कोष में एक नर केंद्रक अंडकोशिका से समेकित होता है और जायगोट बना लेता है और दूसरा नर केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिलकर के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। ठीक है, ये एक नर केंद्रक है, ये किससे मिलेगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस से, और बना लेगा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। यही प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। ठीक है, तो भ्रूणपोष का निर्माण पुष्पी पौधों के बीजों में होता है और ये एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो यही ऊतक डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करने का काम करता है, इसीलिए इसे भ्रूणपोष कहते हैं। भ्रूणपोष ट्रिप्लाइड होता है क्योंकि जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है ये एक हैप्लाइड और एक डिप्लाइड न्यूक्लियस के समीकरण से बना हुआ है। ठीक है, यह एक भ्रूणपोष है जो कि निषेचन के बाद का है। इसमें एक डिप्लाइड जायगोट है और ट्रिप्लाइड प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है। ये जायगोट वृद्धि और विभाजन करके भ्रूण बनाता है, जबकि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक वृद्धि और विभाजन करके भ्रूणपोष बनाता है और ये भ्रूणपोष बीज में स्टोर रहता है। और जब बीजों का अंकुरण होता है तो इस अंकुरित हुए होते हुए बीजों के भ्रूण को ये भ्रूणपोष न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसी किसी पौधे में, अधिकांश डाइकॉट पौधे में क्या होता है कि ये भ्रूणपोष समाप्त हो जाता है और इसका जो न्यूट्रिशन है वो बीज पत्रों में स्टोर हो जाता है। ठीक है, विकासीय प्रक्रिया के आधार पर भ्रूणपोष तीन प्रकार के होते हैं: केंद्र के भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और हेलोबियल भ्रूणपोष। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्र के भ्रूणपोष की, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, निषेचन के बाद में जायगोट से एम्ब्रियो बनता है और जो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है इसमें केंद्रकीय विभाजन होता है, लगातार केंद्रकीय विभाजन होता है और ये सभी केंद्रक भ्रूणपोष में समान रूप से वितरित रहते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। धीरे धीरे ये सभी केंद्रक परिधीय भाग की ओर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिससे बीच में एक कैविटी बन जाती है। आगे जैसे विकास होता है इन परिधीय केंद्रकों के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा होता है और उनके चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, जिससे ही केंद्र के भ्रूणपोष कोशिकीय भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है और एक ठोस भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इस प्रकार का भ्रूणपोष कैप्सेला में, सूरजमुखी के बीजों में, गेहूं में, चावल में, मक्का में आदि पौधों में पाया जाता है। ठीक है, नारियल में भी इस प्रकार का भ्रूणपोष होता है, लेकिन उसमें ठोस और द्रव दोनों प्रकार के भ्रूणपोष पाए जाते हैं जैसा कि नारियल के चित्र में दिखाया गया है। ये बाहर की तरफ जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ये कोशिकीय भ्रूणपोष है और इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है इसे केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। नारियल के अंदर का जो पानी होता है वो भी भ्रूणपोष ही है, तरल भ्रूणपोष, जिसे लिक्विड सिंसाइसियम कहते हैं। तो इस प्रकार से गेहूं, मक्का, चावल, कैप्सेला, सूरजमुखी इन पौधों के बीजों में केंद्रकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। दूसरा भ्रूणपोष है कोशिकीय भ्रूणपोष, सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है? निषेचन के पश्चात ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक केंद्रकीय विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य विभाजन भी करता है, जैसे कि इसका केंद्रक विभाजित होकर के दो केंद्रक बनाता है और दोनों केंद्रकों के बीच का साइटोप्लाज्म भी कोशिका भित्ति बनने के कारण विभाजित हो जाता है, जिससे एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से दो कोशिकाओं से चार कोशिकाएं बनती हैं, चार से आठ कोशिकाएं बनती हैं और एक बहुकोशिकीय भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार का भ्रूणपोष कोशिकीय भ्रूणपोष कहलाता है क्योंकि इसमें लगातार केंद्रकीय विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है, यानी कि हर विभाजन के पश्चात कोशिका बन जाती है, इसलिए इसे कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। और इस प्रकार का भ्रूणपोष मैग्नोलिया, धतूरा, पिट्यूनिया, विलार्सिया आदि के पौधों के बीजों में पाया जाता है। और तीसरा प्रकार का भ्रूणपोष है हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष, ये
केंद्र की और कोष की भ्रूणपोष के मध्य की अवस्था है। इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में सबसे पहले केंद्र के विभाजन होगा और उसके बाद में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, कोष का द्रव्य विभाजन होगा। तो कोष का द्रव्य विभाजन असामान्य होगा जिससे एक बड़ा चैम्बर और एक छोटा चैम्बर बन जाएगा। जिधर माइक्रोपिल होगा वो चैम्बर बड़ा होगा और चलैजा की तरफ का चैम्बर छोटा होगा। देखिए माइक्रोपिल की तरफ एग सेल होती है तो इसलिए भ्रूण भी एग सेल की तरफ ही होगा, तो ये माइक्रोपिलर चैम्बर बड़ा होगा और चलैजल चैम्बर छोटा होगा। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, चलैजल चैम्बर और ये क्या है, माइक्रोपिलर चैम्बर। ठीक है, तो माइक्रोपिलर चैम्बर की जो केंद्रक है इसमें जो रेट ऑफ डिवीजन है वो चलैजल चैम्बर की अपेक्षा अधिक होता है, विभाजन की दर अधिक होती है, इसलिए इसके केंद्रक तीव्र गति से विभाजित होकर के मल्टी न्यूक्लियर हो जाते हैं, जबकि चलैजल चैम्बर के केंद्रक हैं वो बहुत धीमी गति से विभाजित होते हैं, इसलिए उसमें केंद्रकों की संख्या काफ़ी कम रह जाती है। धीरे धीरे माइक्रोपिलर चैम्बर के केंद्रक के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा होता है और इनके चारों तरफ कोशिका भित्ति बन जाती है, ये कोशिकीय भ्रूणपोष में बदल जाते हैं और चलैजल चैम्बर का जो भ्रूणपोष होता है वो केंद्रकीय भ्रूणपोष में बदल जाता है। इस प्रकार से हेलोवियल भ्रूणपोष में कोशिकीय भ्रूणपोष और केंद्रीय भ्रूणपोष दोनों प्रकार के भ्रूणपोष पाए जाते हैं, ये कोशिकीय और केंद्रीय भ्रूणपोष के मध्य की अवस्था होती है। इस प्रकार का भ्रूणपोष अधिकांश एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है जैसे कि एस्पोडिलस और एरिमोलस। तो ये तो हो गया भ्रूणपोष और उसके प्रकार। बीजों में भ्रूणपोष के संचित होने के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं, भ्रूणपोषी बीज और अभ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोषी बीज उन बीजों को कहते हैं जिनमें बीजों के अंकुरण होने तक भ्रूणपोष सुरक्षित होता है और इन बीजों के कार्टिलेडन्स काफ़ी पतले होते हैं, जैसे कि खजूर, सुपारी, गेहूं, मक्का, धान, ये इस प्रकार के बीज भ्रूणपोषी बीज होते हैं। जबकि अभ्रूणपोषी बीज ऐसे बीज होते हैं जिनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय यानी भ्रूणीय विकास के समय सारा भ्रूणपोष समाप्त हो जाता है और भोजन इनके कॉटलीडंस में स्टोर हो जाता है, जिससे कॉटलीडंस काफ़ी मोटे हो जाते हैं और भ्रूणपोष नहीं होता है, ऐसे बीजों को कहते हैं अभ्रूणपोषी बीज। जैसे कि चना, मटर, सेम, सोयाबीन, मूंगफली, ये सब जो बीज हैं ये अभ्रूणपोषी बीज हैं। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।